मेरा नाम अलीशा इमाम है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी एक कहानी सुनाई है, सो मैंने सोचा जो रिसेंटली कहानी हमारे घर में गुजरी है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। ये बात आज से 3 मंथ पहले की है, जब मेरे भाई की शादी हुई। शादी से पहले तो हम एक रेंट के घर पर रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा खुद का घर है। मेरे भाई की शादी थी तो हम सब बेहद खुश थे, एक तो नए घर में आने की खुशी और दूसरी शादी की खुशी में। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से सारी रस्म और मामलात हुए। मेरी अम्मी को बेहद इंतज़ार था इस शादी का, और क्यों ना हो, हर माँ बाप को अपनी औलादों की शादी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है ताकि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सकें। बहरहाल शादी हो गई और रुखसती के बाद भाभी घर आ गईं तो सब कुछ सही था। एटलीस्ट शुरू के 10-15 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भाभी के मिजाज में तब्दीली देखने को मिली। वो अचानक से कभी हंसने लगती, कभी डरी हुई सी दिखाई देती, और कभी बिला वजह परफ्यूम्स और इतर का बेहद इस्तेमाल करती। मुझे क्योंकि परफ्यूम्स और इतर वगैरह से एलर्जी भी है, तो मैंने उनको समझाया भी कि भाभी ये सब चीज़ें मत यूज़ किया करें, एक तो मुझे घबराहट होती है, दूसरा इन खुशबुओं को वैसे भी जिन्नात वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो उनको मेरी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जब उनके कमरे में जाती थी तो मैं नोटिस करती थी कि भाभी रोज़ अपनी बेडशीट से लेकर डोर मैट, सोफ़ा कवर्स, यहाँ तक के जो जानमाज भी रोज़ के रोज़ वॉश करके इस्तेमाल करती थी। मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब चीज़ें रोज़ क्यों धोती हैं, जबकि ये तो रोज़ धुलने वाली चीज़ें हैं भी नहीं। तो उन्होंने थोड़ा गुस्से का इजहार किया और मिसबिहेव करते हुए मुझसे कहा कि अपने काम से काम रखो। अब ये उनका बिहेवियर मेरी समझ से बाहर था। खैर, मैंने इस मामले में अपनी वालदा से डिस्कस किया तो उन्होंने भाभी को बुलाया और उनसे पूछा तो वो एकदम नॉर्मल तरीके से मेरी वालदा से कहने लगी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद आपकी बेटी झूठ बोल रही है। तब अम्मी ने एक और चीज़ नोट की कि उनकी आँखें बहुत अजीब सी महसूस होने लग गई थी। अम्मी ने भाभी के घर में कॉल की और कहा कि आपकी बेटी ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम्स और इतर का इस्तेमाल कर रही है और रोज़ाना जो चीज़ें नहीं वॉश होने वाली उनको भी रोज़ाना धो रही हैं, तो ये सब क्या चल रहा है। तो भाभी के घर वालों ने कहा कि ये एक्टिविटीज़ हमारी बेटी की पहले तो नहीं थी, तो खैर इस पर इतना गौर ना करें। तो फिर इस तरह से बात आई गई हो गई, रात हो गई, सब अपने कमरे में सो रहे थे, शादी के गेस्ट वगैरह भी घर में मौजूद थे। फिर अचानक से आधी रात को तकरीबन 3 बजे के करीब भाभी हमारे कमरे के पास आती हैं और दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाती हैं। उस कमरे में मेरी 3 बहनें और अम्मी वगैरह साथ सो रहे थे। तो वो रूम में दाखिल हुई, उनके बाल खुले हुए थे और उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ था। हम लोगों की समझ से बाहर था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उनके पीछे हमारे भाई भी हमें नज़र आए तो अम्मी ने भाई से पूछा कि बेटा ये सब क्या चल रहा है। तो भाई ने सब कुछ बताया कि अम्मी कुछ दिनों से ये ऐसे ही हरकतें कर रही है और मैंने आप लोगों से ये बात इसलिए छुपाई कि आप लोग टेंशन में ना आ जाएं और डर ना जाएं। भाई ने कहा कि ये रोज़ रात को नहाती है और घंटों बाथरूम में वक्त गुजारती है। ये सब बातें भाई अम्मी को बता रहे थे कि भाभी ने अचानक भाई को गुस्से से नाम लेकर पुकारा और बदतमीज़ी करते हुए कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लिहाजा अपनी औकात में रहो, और वगैरह वगैरह। और ना सिर्फ भाई बल्कि हमारे एक और भाई जो शादी में शरीक नहीं हुए थे क्योंकि वो बाहर के मुल्क में रहते हैं, उनके ऊपर भी भाभी की तरफ से इल्ज़ाम लगे थे। आप सारी सिचुएशन को देखकर सुनकर हंस भी रहे थे और अंदर ही अंदर खौफजादा भी हो रहे थे कि आखिर ये कहानी है क्या। खैर, भाई ने भाभी का हाथ पकड़ा और अपने रूम में लेकर चले गए और उस वक्त तक भाभी अपने होश खो बैठी थी, चीखने चिल्लाने लग गईं। जैसे तैसे करके उनको काबू में किया गया तो वो जाकर जानमाज बिछा कर उसके ऊपर सर रखकर सजदे में चली गईं। कभी हंसती थी ज़ोर ज़ोर से तो कभी रोना शुरू कर देती थी, जिसको देखकर हमें पूरा यकीन हो गया कि भाभी के ऊपर कुछ गैर मामूली असरात हैं। जैसे तैसे करके वो रात गुजार ली। सुबह हुई तो हमने उनके घर वालों को कॉल की और सारी स्टोरी उनको बताई कि आपकी बेटी एटलीस्ट हमसे तो संभाली नहीं जा रही है, लिहाजा आप आकर भाभी को संभाल लीजिए। और भाभी की शक्ल देखकर अब हमारे ऊपर अजीब सा खौफ तारी हो रहा था, जैसे वो भाभी ना हो, कोई और मखलूक उनको कंट्रोल कर रही हो। हमारे शहर से उनका घर तकरीबन 9 घंटे की दूरी पर था तो उनकी फैमिली को आते आते रात हो गई और भाभी की हरकतें बढ़ती ही चली जा रही थीं। फाइनली जब उनके घर वाले किसी कारी साहब को लेकर आए तो भाभी ने अपनी फैमिली को जब देखा तो वो थोड़ी सी सही हुई। जब कारी साहब ने उनके ऊपर दम करना शुरू किया और सवाल जवाब करना शुरू किए तो भाभी पर एक जिन हावी हो गया। बहुत देर तक पूछने और सवालात करने के बाद उस जिन ने आखिरकार कहा, मुझे इस लड़की के अंदर इसलिए दाखिल किया गया है
कि इसके ससुराल में से कुछ लोग जो इसका रिश्ता खराब करना चाहते हैं। फिर कारी साहब ने बताया कि इस लड़की से कोई जलन करता था, इसलिए इस लड़की के साथ ऐसा किया गया है ताकि ये चैन से ना रह सके अपने ससुराल में। मुझे मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या राज है। मैंने उस दिन जो भी देखा उसको सच समझना शायद मुश्किल था मेरे लिए। खैर, भाभी अपनी फैमिली के साथ कुछ मंथ्स के लिए अपने घर चली गईं और वहाँ भी उनके साथ कुछ ना कुछ मामलात होते रहे। उन्हें एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया गया क्योंकि ये सब होने के बाद उनके दिमाग पर कुछ चीज़ें असर कर गई थीं। फिलहाल वो पहले से काफ़ी ठीक हैं और हमारे घर आ चुकी हैं, बट आज भी मुझे थोड़ी नॉर्मल नहीं लगती। खैर, मैं दुआ करती हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं कहना यही चाहूँगी कि ये जो भी इंसान ऐसी हरकतें करता है दूसरों का घर खराब करने के लिए, काले जादू का इस्तेमाल करता है, ऐसे इंसानों का ज़मीर अंदर से मर जाता है और फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन क्या है। अल्लाह पाक आपको और हम सबको इस काले जादू से महफूज रखें। आमीन। मेरा नाम हुरैजा है। मैं आपके चैनल पर पहले भी वाकया शेयर कर चुकी हूँ जो कि मेरी फुप्पो के घर से वाबस्ता थे। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जब फुप्पो अपनी फैमिली के साथ सऊदीया में हुआ करती थी तो उनका घर जो कि पाकिस्तान पेशावर में है वो बहुत अरसे बंद रहा, और चूंकि अब उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई है तो उनके साथ घर में वाकयात होते रहते हैं। ये वाकया मेरे कज़न के साथ पेश आया उनके अपने ही इसी घर में। वाकया कुछ यूँ है कि मेरे फुप्पो और बाकी फैमिली के मेंबर्स गर्मी के सीज़न में नॉर्दर्न एरियाज गए हुए थे तकरीबन एक मंथ गुजारने के लिए, और उनके बच्चे जो कि दोनों बेटे थे वो यूनिवर्सिटीज़ जाने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो इन दोनों को खाना वगैरह भी खुद ही तैयार करना पड़ता था या कभी कभार बाहर से भी ले आते थे। तो रात के टाइम एक मरतबा यूँ हुआ कि कज़न अपने लिए खाना तैयार कर रहा था और दूसरा कज़न कमरे में था। एक ने अपने लिए शवरमे बनाए इस नीयत से कि दो वो दोनों अलग अलग खा लेंगे और तीसरा हाफ ऑफ करके दोनों भाई आपस में बांट कर खा लेंगे। शवरमा बना कर कज़न ने किचन काउंटर पर रख दिए और पीछे फ्रिज से बाकी चीज़ें निकालने के लिए मुड़ा। जैसे ही वापस काउंटर पर रखी हुई प्लेट की तरफ उसको उठाने के लिए काउंटर की तरफ वापस पलटा तो वहाँ से प्लेट में रखा हुआ शवरमा गायब हो चुका था। अब इस कज़न को पहले से इल्म था कि घर में हमारे अलावा और भी मखलूकात मौजूद हैं, तो कज़न ने इतना रिएक्ट नहीं किया। बस वहीं किचन में खड़े होकर ऊंची आवाज़ में मुखातिब होकर कहा कि चलो ले लिया है, कोई बात नहीं, शायद अल्लाह पाक ने तुम्हारा रिस्क लिखा हुआ था। और बाकी के दो शवरमे जो प्लेट में बचे थे वो लेकर कमरे में आ गया। उसने अपने भाई से पूछा कि क्या तुम किचन में गए थे, तो उसने इनकार कर दिया और अंदाज़ा भी हो गया था कि वो किचन में नहीं गया क्योंकि चंद ही सेकेंड्स में कोई किचन में आ जा कैसे सकता है। इस किस्से को उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद फुप्पो और बाकी फैमिली के मेंबर्स नॉर्दर्न एरिया से वापस आ गए घर में, तो कज़न बताता है कि एक रात वो सो रहा था अपने बेड पर तो अपने कान के पास ही उसे नींद में सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई तेज़ी से सांस ले रहा हो कान के पास आकर। पहले तो उसको ये लगा कि छोटा भाई है, शायद उसको नज़ला ज़ुकाम है तभी ऐसी सांसें ले रहा है, पर जब उसने आँखें खोलीं तो कोई नहीं था, ना ही साथ वाले बेड पर उसका भाई था क्योंकि वो रात को देर तक पड़ता रहता है। कमरे में घुप अंधेरा था क्योंकि कज़न को ऐसे ही अंधेरे में सोने की आदत है। अब कज़न ने बेड पर देखा तो भाई नहीं था, तो उसकी नज़र बेड के सामने वाली अलमारी पर पड़ी। तब उसने देखा कि एक साया है, काला साया अलमारी के ऊपर उसे बैठा हुआ नज़र आया जो उसी को देख रहा था गौर से। मालूम ऐसा हो रहा था कि शायद कोई जानवर है चार टांगों वाला, मगर फिर भी रूम में लैम्प की रोशनी कम होने की वजह से कुछ वाज़े नहीं हो पा रहा था, ख़ास तौर पर उसका चेहरा। और देखते ही देखते वो साया एकदम से छलांग लगाकर साथ वाले भाई के बेड पर आ गया और बेड पर लेटते ही बेड के अंदर गायब हो गया। अब कज़न ये सब कुछ देखकर अंदाज़ा लगा ही रहा था कि एकदम से बेड से आहिस्ता आहिस्ता वो जो साया था वापस बेड के ऊपर उभरने लगा, मतलब कि एक पल के लिए वो बेड पर छलांग लगाते ही लेट कर गायब हो गया था। फिर कुछ ही सेकेंड्स में वो वापस बेड से उठने लगा और एक गुंबद यानी कि डोम की शेप इख्तियार कर रहा था। बस ये देखना था कि कज़न की हालत गैर हो गई, उससे हिला भी नहीं जा रहा था और ना ही गले से आवाज़ निकल रही थी कि वो किसी को बुला ले, और डर की वजह से पसीने से उसका पूरा जिस्म गीला हो चुका था। हम पहले तो उसको स्लीप पैरालिसिस समझ बैठे, फिर कज़न बताता है कि उस वक्त वो जाग रहा था और अपने आप को बेड से उल्टा होकर किसी तरह गिराया उसने बेड से नीचे और
कोशिश करते हुए अपने आप को घसीटता हुआ फ्लोर पर दरवाजे खोलते हुए बाहर निकला और तब उसके मुंह से आवाज निकली चीख की। सुनकर दूसरे कमरे से उसकी बहनें बाहर आ गईं और उसको संभाला, और नीचे से उसके वालदेन भी घबराए हुए आ गए। इस वाकये के बाद उनके वालदेन ने फिर घर में मदरसे के बच्चों को बुलवाया और फिर घर में कुरान खानी करवाई। अब ऐसे वाकयात होना तो बंद हो गए, और जो भी मखलूक है वो इतना तंग नहीं करती, पर अपने होने का एहसास हर वक्त हमें दिलाती रहती है। जैसे कज़न बेसमेंट में कमरे में बैठा हो रात को पढ़ने के लिए, तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे मुसलसल देख रहा है। ये बात हमारे घर की है जहाँ पर हम रहते हैं। घर का एक मेजर पोर्शन है जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन इस घर में कुछ ना कुछ ऐसी अजीब बात है जो कि सभी को पता है, और अब तो ये सब के लिए एक मामूल बन गई है। इसमें से कुछ सीन्स तो मेरे खुद के साथ हुए हैं, और आज पहला वाकया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पहला वाकया जब हुआ जब मैं 7th grade में थी। अपने लॉन्ज में थी, और लॉन्ज से स्टेयर्स ऊपर के पोर्शन की तरफ जाती थी जो कि मेरे चाचा का पोर्शन था। मैंने टीवी देखते हुए जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखा तो मेरा कज़न उन दिनों में एक ऑरेंज शर्ट से बहुत ऑब्सेस था, और उसे वो शर्ट पहनना बहुत पसंद था। तो मैं देखती हूँ कि वो वहाँ से गुजरता है और उसने वही ऑरेंज शर्ट पहनी होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही अजीब मालूम हो रही थी। अब मुझे क्यूरोसिटी हो रही थी कि आखिर मामला क्या है, तो मैं उसके पीछे गई। अब जब मैं सीढ़ियों पर पहुँची तो विदिन अ सेकेंड्स वहाँ पर कोई नहीं था। इस दौरान जो मेरी वालदा किचन में काम कर रही थी उनको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो वो मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको ये वाकया बताया तो वो समझ गई कि वो मेरा कज़न नहीं बल्कि कुछ और था, और उन्होंने फिर इस बात को जानते हुए मुझे फिर मना कर दिया कि आइंदा अगर मैं ऐसा कुछ देखूँ तो कुछ भी हो जाए मैं उस चीज़ के पीछे नहीं जाऊँगी ये देखने के लिए कि वो क्या है और क्या नहीं। इस तरह एक दिन सब घर वाले ड्रामा सीरीज देख रहे थे। रमज़ान चल रहा था और सहरी से पहले सब फ्री होकर बैठे थे। हर तरफ खामोशी थी, और अचानक बाहर से आवाज़ आई जैसे कोई प्लास्टिक की चेयर से ज़ोर से टकरा गया हो। हमारे सहन में प्लास्टिक चेयर्स थीं, और वो 6 कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं। काफ़ी हैवी थीं वो, जो कि किसी भी बिल्ली के टकराने से पॉसिबल नहीं था कि ऐसी आवाज़ आए। जैसे ही हमने वो आवाज़ सुनी तो सब बाहर गए। विदिन अ मिनट पूरा घर सारे पोर्शंस चेक कर लिए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं नज़र आया। अब वो 6 कुर्सियाँ जो सीधी रखी हुई थीं वो कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में बिखरी पड़ी हुई थीं। मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियाँ हैं आप सबको सुनाने के लिए, लेकिन वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। मेरा नाम जिया है, और मैं पहले भी आपके साथ इस चैनल पर स्टोरीज शेयर कर चुकी हूँ। आज जो स्टोरीज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी खाला के साथ वाकया पेश आया था। ये वाकया जब का है, जब मेरी खाला जवान हुआ करती थी। मेरी नानी के घर में उन दिनों एक दरख्त भी हुआ करता था, और मेरी खाला वहीं पर रहती थी। लेकिन मेरी खाला हर वक्त ये कहती रहती थी कि इस दरख्त को कटवा दो, सहन में बहुत कचरा जमा हो जाता है पत्तों का इस दरख्त की वजह से, और फिर उसे साफ भी करना पड़ता है। इस बात पर गौर करते हुए आखिरकार क्या हुआ कि मेरी नानी ने वो दरख्त कटवा दिया, और फिर मामलात का आगाज़ यहीं से शुरू हुआ। मेरी अम्मी बताती हैं कि एक रात खाला नींद से उठी तो उनको किसी ने आवाज़ दी, उनका नाम शकीला है। उन्होंने उठकर देखा तो उनकी नज़र अम्मी पर पड़ी जो कि बेखबर सो रही थी, तो ये देखकर बहुत डर गईं क्योंकि उनको लगा कि अम्मी ने उनको आवाज़ दी है, जिसकी वजह से जो मखलूक उस दरख्त पर आबाद थी वो खाला के ऊपर हावी हो गई। अब मेरी खाला बहुत बीमार रहती थी, और मेरी अम्मी बताती हैं कि एक रात खाला को किसी ने उठाकर ज़ोर से दीवार पर मारा, जो कि हमारे सब घर वालों को पता है। उसके बाद एक आमिल से मेरी खाला का इलाज हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी खाला डर गई थी, उसी की वजह से वो चीज़ उन पर हावी हो गई, और वो जो भी मखलूक थी बहुत ख़तरनाक थी। इतना इलाज होने के बावजूद उस मखलूक ने खाला का पीछा नहीं छोड़ा, वो चीज़ हर वक्त मेरी खाला पर हाजिर रहती थी और मेरी खाला को बहुत तकलीफ़ देती थी, जिससे मेरी खाला के हाथ पांव वगैरह भी मुड़ना शुरू हो जाते थे और वो चीखने लगती थी। उनको बहुत दर्द होता था और उनके जिस्म पर निशान बन जाया करते थे। और फिर कुछ टाइम बाद मेरी खाला की आखिरकार शादी हो गई। अब शादी के कुछ अरसे बाद मामला ठीक भी रहे, खाला के 2 बेटे भी हो गए, लेकिन अचानक फिर से सारे मामला ख़राब होने लग गए। वो मखलूक फिर मेरी खाला पर हाजिर हो जाती और कहता कि मैं इसको कभी खुश रहने नहीं दूंगा, इसने मेरा घर उजाड़ा है, मैं कभी इसका घर बसने नहीं दूंगा।
फिर हुआ ये कि मेरी खाला के शौहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरी खाला के शौहर के साथ जो 3 लोग थे उन सब के सर उस एक्सीडेंट में कट गए। मेरी खाला के शौहर तो बच गए उस एक्सीडेंट में, लेकिन उसके बाद उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई और अनफॉर्चुनेटली वो पागल हो गए, जिसकी वजह से मेरी खाला को उनके साथ अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। अब क्योंकि खाला जवान थी तो सब ने उनको मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने उस वक्त तो नहीं की। 10 साल के बाद कहीं जाकर मेरी खाला की दूसरी शादी हो गई और उनके दूसरे शौहर से उनकी 2 बेटियां हैं, जिसके बाद उनके दूसरे शौहर की भी दिमागी हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब की बार मेरी खाला ने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो उनके साथ ही रहती नहीं। वो जो भी मखलूक है आज भी मेरी खाला के साथ है और आज भी उनको तकलीफ़ देती है। बट मेरी खाला का यही कहना है कि अब उनको आदत हो गई है इन चीज़ों की और वो कहती हैं कि शायद ये मेरा नसीब है और शायद ये ऐसे ही रहना है। ये थी मेरी खाला की दिल दहला देने वाली कहानी, एक ऐसी गलती जो अनजाने में की गई हो मगर मेरी खाला की ज़िंदगी के लिए एक आजमाइश बनकर रह गई। आप सब से दुआ की रिक्वेस्ट है, अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मखलूकात से महफूज रखें। आमीन। मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये कहानी 2013 से 14 के एरा की है, जब मैं और मेरे कज़न्स छोटे हुआ करते थे। मैं अपने ताया के नाम और उनके घर की लोकेशन बताना मुनासिब नहीं समझता, पर जब मेरे ताया का नया घर मुकम्मल तौर पर तामीर हो गया था तो उन्होंने अपने नए घर की खुशी में सब रिश्तेदारों को दावत दी। सारे रिश्तेदार उनके घर जमा हुए तो हम जो सारे बच्चे वहाँ पर जमा थे, हमने मिलकर प्लान बनाया कि चलो गेम खेलते हैं और ताया के घर भी इसी बहाने हम देख लेंगे। तो ऐसा हुआ कि जब हमने ताया के घर का फर्स्ट फ्लोर देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक कज़न को शरारत सूझी, जब भी कोई नया घर तामीर होता है तो आपको पता है कि घर में जब भी हल्का सा चीखो या बोलो तो एक एको टाइप की आवाज़ गूंजती है, सामान कम होने की वजह से भी। तब हम बच्चे भी थे तो उसने कहा कि चलो देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा शोर करता है। तो हम सब मिलकर पागलों की तरह शोर मचा रहे थे, पर वहाँ एक कमरे में कोई था जिसे ये सब पसंद नहीं आया कि हम शोर क्यों मचा रहे हैं। तो कमरे का दरवाज़ा खुला, हम ये सब देखते हैं कि उस कमरे से ना जाने क्यों एक सायानुमा चीज़ निकलती है, जिसका ना तो चेहरा साफ जाहिर हो रहा था और ना ही उसका धड़ साफ नज़र आ रहा था। और हम सब बच्चों ने उसको देखा और वहाँ से उसको देखते ही हम डर कर भाग गए और नीचे जाकर सबको बता दिया। तो मेरा कज़न जिसके पापा का घर था, यानी कि मेरे ताया अब्बू, उनका बड़ा बेटा और मेरा कज़न जो दोनों एज में 20 से 25 साल के थे, वो हमारे साथ ऊपर गए और हमने हर जगह तलाश किया और देख लिया मगर वहाँ कोई ना मिला। तो हम वापस नीचे आ गए और हमने अपने बड़ों से इस बारे में सवाल किया कि ये क्या हो सकता है या फिर वो क्या था। तो हमारे बड़ों ने उस वक्त एक चीज़ हमें समझाई कि ऐसी गैर मामूली चीज़ें, ख़ास तौर पर जिन्नात, शयातीन वगैरह हमारे दरमियान में रहती हैं। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में एक पर्दा डाला हुआ है जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं और अल्लाह ताला ने इनको तंग करने से भी मना किया हुआ है। और फिर काफ़ी दिनों के बाद जब मैंने अपने कज़न से पूछा तो उसने बताया कि उस दिन के बाद कोई ऐसी चीज़ हमने महसूस नहीं की और वो वाकया वहीं पर ख़त्म हो गया। मेरा नाम मोहम्मद सालिक है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। ये वाकया मेरी नानी जान से जुड़ा है। मेरी नानी के घर एक सियालकोट के गांव में वाकई है। उस गांव के साथ एक बंद है जो एज अ रोड यूज़ होता है। उसके साथ खेत हैं और खेत के साथ दरिया और दरिया के साथ एक घना जंगल शुरू हो जाता है। मेरी नानू बताती थी कि पुराने वक्तों में जब इलेक्ट्रिसिटी गाँव में नहीं हुआ करती थी तो कोई भी चीज़ ठंडी करने के लिए सुबह 4 बजे के करीब या फिर रात 2 से 3 बजे के करीब खवातीन मिलकर दरिया के किनारे चली जाया करती थी। वहाँ पर एक मट्टी के मटके में जो भी चीज़ को ठंडा करना हो उसे डालकर वो दरिया में रख देते थे, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उनकी पहुँच में रहे। एक दफ़ा मेरी नानी ने मेहमानों के लिए रात को खीर बना ली और रात को 4 बजे एक खातून के साथ दरिया किनारे चली गई। खैर, रात के वक्त गाँव में काफ़ी सन्नाटा होता है और हर तरफ खौफ का आलम होता है। मेरी नानू ने मटका पानी में रखा और रस्सी की मदद से उस मटके को पानी में गोल गोल घुमाने लगी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक नानू ने एक ऊँट को अपनी ओर आते हुए देखा जो कि बहुत लाल रंग का मालूम हो रहा था। नानू ने उसको पहली नज़र में तो नज़रअंदाज कर दिया और खीर ठंडी करने की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वो ऊँट अपने आप को मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों में चेंज कर रहा था। कभी काले बकरे की तरह बन जाता तो कभी कुछ और,
नानू को एहसास हो रहा था कि ये कोई शैतानी मखलूक है जो कि तरह तरह की शक्लें बना रही है, और वो भी जानवरों की शक्लें। नानू ने दिली दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद मामलात रुक से गए, लेकिन नानू जैसे ही दोबारा दरिया की तरफ गईं तो वो एक बिल्ली के रूप में आ चुका था। तो अब नानू ने अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दी और घर आकर सबको इस बारे में बताया। उसके बाद नाना जान ने कभी भी नानी जान को अकेले दरिया पर जाने की इजाज़त नहीं दी।